सो नॉर्थ कैंपस आर्ट फैकल्टी के बाहर जो है वो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट जारी है एंड चल रहा है प्रोटेस्ट और पता नहीं कि कब तक चलेगा। इस बीच में काफ़ी स्टूडेंट्स की ये क्वेरीज है कि क्या हमारे एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन मोड में होंगे, ओपन बुक एग्ज़ाम जो है होंगे। जिस तरीके से आप लोग कमेंट करते हो ऐसा लगता है कि आप लोग क्लियर कट चाहते हो कि हाँ एग्ज़ाम जो होंगे या नहीं होंगे, हमें उसके बारे में बताएं। लेकिन लेटेस्ट अपडेट्स ये है कि अभी ओपन बुक एग्जामिनेशन को लेकर कि ओपन बुक एग्ज़ाम जो है आप सभी स्टूडेंट्स का ओपन बुक एग्ज़ाम को लेकर डिमांड है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की, क्योंकि ओपन बुक एंड यूनिवर्सिटीज़ ने तो उस समय में लिया था लेकिन आज के समय में तो नहीं है। आज के समय में भी लेना चाहिए था हालांकि यूनिवर्सिटी को, क्योंकि जब यूनिवर्सिटी खुल रही थी तो वहाँ पर भी जो है वो ऑप्शन दिया गया था कि ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो मुझे नहीं लगता कि उस समय में कई स्टूडेंट्स ने ऑफलाइन या ऑनलाइन भरा होगा। ठीक है, अपने अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीज़ें थी, लेकिन यहाँ पर कंडीशन कुछ डिफरेंट ही है, उसकी चीज़ को समझना पड़ेगा पहला तो, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस के लिए स्टूडेंट्स का ही प्रोटेस्ट था और उसमें भी जो है वो काफ़ी स्टूडेंट्स इन्वॉल्व थे, तब जाके हमारी यूनिवर्सिटी ओपन हुई और होने के बाद जो है वो ओपन बुक एग्जामिनेशन के लिए जो है वो प्रोटेस्ट किया जा रहा था। तो ओपन बुक एग्ज़ाम को लेकर अभी प्रोटेस्ट चल रहा है एंड आपने देखा भी होगा मेरी प्रीवियस जो वीडियो आई थी, मैंने जो अपलोड की थी वहाँ पर बताया जा रहा है स्टूडेंट्स के थ्रू कि ओपन बुक एग्ज़ाम को लेकर जब तक ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक जो है वो हम अपने प्रोटेस्ट को वापस ले लेंगे एंड प्रोटेस्ट जो है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। तो कभी भी जो है वो स्टूडेंट्स के थ्रू प्रोटेस्ट जो है वो आर्ट फैकल्टी के अंदर किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर क्लियर कट जो है स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि क्या हमारे ओपन बुक एग्ज़ाम होंगे SOL के, रेगुलर के, NCVAP के, फोर्थ सेमेस्टर एंड सिक्स सेमेस्टर, यानी कि सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के एंड थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के। सो क्लियर मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि अगर आप उसके भरोसे हो कि आपके ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे यहाँ पर आपको अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स के थ्रू भी देखा जा सुना जा रहा है एंड अपने कॉलेज अगर आपके अभी जो है आपके रेगुलर क्लासेस चल रही हैं तो आप जो है वो कभी टीचर से पूछ के देखना, आपको जो है वो सीधा सा एक ऑप्शन मिलेगा कि नहीं ओपन बुक एग्ज़ाम नहीं होने वाले हैं। लेकिन कुछ भी डिसीजन लिया जा सकता है, हम ये नहीं कह सकते कि नहीं होगा, 100% नहीं कह सकते, लेकिन देख लो कि आप सभी स्टूडेंट्स के सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन की डेट शीट आ गई है, मई में जो है एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ जाएगा, तो टाइम तो नहीं है। उसके अकॉर्डिंग जो है वो एक मेरी प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट्स से, चाहे आप SOL के स्टूडेंट हो या फिर रेगुलर के स्टूडेंट हो या फिर NCVAP के स्टूडेंट हो, मुझे नहीं पता क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पर और काफ़ी स्टूडेंट्स का सपोर्ट रहता है इस चैनल पर, तो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद आप सभी स्टूडेंट्स का। और मेरा यहाँ पर एक सजेशन है स्टूडेंट्स का, क्योंकि जो प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है वो चलता रहेगा, मेरा सजेशन यहाँ पर स्टूडेंट्स का भी ये है कि अपने सिलेबस को देखिए। ठीक है, सबसे पहले प्रीव्यू योर सिलेबस, जो भी सिलेबस है आपका अगर आपने स्टार्ट भी नहीं किया है तो अभी से भी आप अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे अच्छे तरीके से, स्ट्रेटजी वाइज पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो ऑफलाइन मान लो एग्जाम होता भी है या ऑनलाइन भी होता है तो दोनों के अंदर आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि मैं यहाँ पर क्लियर कट नहीं दे रहा हूँ कि नहीं एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन ही होंगे, एग्ज़ाम जो है वो ऑफलाइन ही होंगे, कुछ भी हो सकता है क्योंकि ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं है। ठीक है, ऑफिशियल डाटा नहीं है, ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी डिसीजन लिया जा सकता है यूनिवर्सिटी के थ्रू, हम कुछ नहीं कह सकते हैं। क्लासेस को एक्सटेंड भी किया जा सकता है, ओपन बुक एग्ज़ाम भी करवाया जा सकता है, हाइब्रिड मोड में भी एग्ज़ाम लिया जा सकता है और मोस्टली चांसेस है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाया जा सकता है, हम कुछ नहीं कह सकते, पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। बट यहाँ पर क्लियर कट में दे दूँ, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी आपका स्टडी मटेरियल है, जो भी आपका बुक है वो परचेज़ कर लीजिए। दरियागंज है जो बहुत बड़ी अच्छी मार्केट है, वहाँ भी अगर जो आपको अच्छे से इजीली किताबें वगैरह मिल जाएगी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस ज़्यादा होता है बर्डन एंड डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के स्टूडेंट्स होते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स होती हैं, हालांकि मेरा बैकग्राउंड जो है वो ह्यूमैनिटीज़ का है तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा जो डिफिकल्ट सा सब्जेक्ट होता है वो हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप बुक वगैरह देखने जा सकते हैं और उसके लिए जो बेस्ट जो बुक मिलता है वो दरियागंज में मिलता है। अगर आप SOL के स्टूडेंट हैं तो आपको स्टडी मटेरियल जो है वो आपके SOL के कैंपस में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा एंड अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग सब चीज़ें पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए अगर आपने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है। मेरा यही रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट से, प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो कीजिए एंड जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होगी वो भी प्रोटेस्ट से रिलेटेड एंड
जो भी चीज़ें आती है ऑफिशियल कन्फर्मेशन भी आती है तो आपको टाइम टू टाइम मैं चैनल पर प्रोवाइड करते रहूँगा। एंड इसके साथ साथ में आप सभी स्टूडेंट्स की अगर कोई क्वेरीज रहती है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हो, मेरे से जितनी हेल्प हो सकेगी आप सभी स्टूडेंट के सिलेबस को समझाने में, सिलेबस को बताने के अंतर्गत एंड सिलेबस प्रोवाइड करवाने के अंतर्गत मैं आपको पूरी जो है वो मतलब कोशिश करूँगा कि आपको सिलेबस तक भी जो है वो पहुँचा दूँ, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है वो इतने स्टूडेंट्स हैं, मतलब SOL के स्टूडेंट्स के लिए खासकर ये प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट्स को अपना सिलेबस तक नहीं मिल पा रहा है, मतलब कि इतनी बड़ी दिक्कत है यहाँ पर कि सिलेबस तक नहीं पहुँच बन पा रही है कि हमें एटलीस्ट पढ़ना ही क्या है, समझ लो। तो एक रास्ता ही नहीं क्लियर मिल पा रहा है कि हमें चलना कहाँ है। तो कहीं ना कहीं SOL स्टूडेंट्स के लिए भी, रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए भी और कुछ हद तक या फिर बहुत ज़्यादा बोल सकते हो कुछ हद तक जो है वो रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करने को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं एंड ओपन बुक एग्जामिनेशन को लेकर आपका कुछ व्यू जो है वो क्लियर कट मिला होगा, क्लियर कुछ चीज़ें जो आपकी क्लियर हुई होगी। सो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।